हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे इस यूट्यूब चैनल ते माई किचन एम के। अज दी वीडियो विच मैं शेयर कर रही हूँ आलू गाजरां दी सब्जी। इस तरह मैं अज दी रेसिपी नू शुरू कर दी हाँ। सब तो पहला गाजरां नू धो लेना है, फिर उस तो बाद उन्हां नू पील ऑफ कर लेना है। इदां ही सारियां गाजरां नू छिल के उन्हां नू छोटे छोटे टुकड़े विच कट लेना है। टुकड़े आपां ज़्यादा वड्डे नहीं करांगे, नहीं तो फिर उन्ना ही ज़्यादा टाइम इन्हां नूं पक्कण लगे लगेगा। गाजरां नूं छोटे टुकड़ियां विच कट लिया है। हुण इन्नू एक छाननी दे विच पा के साफ पानी नाल इन्नू धो लवांगे आपां। इदां ही गाजरां दी कटिंग हो गई आ। दो हरियां मिर्चां ते दो प्याज जो कि लंबाई विच कट ले ने, अदरक लसन दा पेस्ट लिता है। इदा ही चार तो पांच आलू भी इदा ही कट लेने ने। मीडियम हीट ते एक कड़ाही लेनी है जिस दे विच दो कड़छी तेल लेना है। सब तो पहला इस दे विच आपां जीरा पावांगे। अदरक ते लसन दा जो भी आपां पेस्ट तैयार किया है वह पाना है ते चंगी तरह इन्हां नूं 2 मिनट भुन लेना है। फिर इस विच दो हरी मिर्चां, दो कट्टे हुए प्याज पा देने ने, चंगी तरह इसनू मिला देना है। हुण इसनू ढक देना है। 5 मिनट बाद इसनू चेक करांगे। काफ़ी हद तक प्याज भुन्ने गए ने। हुण इस विच बरीक कट्टिया हुआ एक टमाटर पावांगे। इस दे नाल ही मैं इस दे विच टमाटो सॉस पा रही हाँ। तुसी चाहो तो इसनू स्किप भी कर सकते हो। हुण इसनू चंगी तरह आपां मिला लवांगे। हुण इस विच सुके मसाले ऐड करांगे, जिवें कि सब तो पहला सुका धनिया, स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला, हल्दी, सुके हुए हरे 2 पत्ते। चंगी तरह इनू कड़छी दे नाल सारे मसालियां नू मिक्स कर लेना है। हुण इसनू 7 तो 8 मिनट लिए आपां इनू ढक देवांगे। 10 मिनट तो बाद मैं इनू चेक कर रही हाँ। तुसी देख सकते हो कि मसाले ने घ्यो छड्ड दिता है। इसका मतलब कि अपना तड़का वधिया तरीके नाल भुन्या गया है। हुण इस विच कट्टियां हुई गाजरां अते कट्टे हुए आलू इस विच पा देवांगे। चंगे तरीके नाल इसनू आपां मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम आपां मीडियम ही रखना है। आपां इसनू 10 तो 15 मिनट लई कवर कर देंगे। गाजरां दी सब्जी सुक्की ही ज़्यादा वधिया लगती है। इस विच आपां पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। इनू आपां सुक्की सब्जी ही बनानी है। तुसीं देख रहे हो कि आपां जदों स्टीम दित्ती है तो इहदे विच पानी आ गया है। हुण इसनू आपां मीडियम हीट ते इदां खुला ही पकावांगे। इदां ही तुसीं कड़छी दे नाल इहनू चैक करदे रहना वा। जदों गाजरां ते आलू सॉफ्ट हो जाते हैं इसका मतलब कि अपनी जिहड़ी सब्जी वो बन चुकी है। तो लास्ट स्टेज दे विच आपां बरीक कट्टिया हुआ हरा धनिया पा देंगे। सो इहदे नाल ही अपनी अज की रेसिपी खत्म होंदी है। मैं इसनू गार्निश किया वा बरीक कट्टे हुए धनिए नाल ते कलौंजी नाल। कलौंजी का फ्लेवर मैनू बहुत ज़्यादा पसंद आ। तो तुसी अपने हिसाब नाल अपनी सब्जी नू बहुत सोहना सजा सकते हो। आस करती हाँ कि तुहानू ये रेसिपी वधिया लगी होवेगी। जेडे मेरे चैनल ते नवे आए ने वो मेरे चैनल नू सबसक्राइब लाइक शेयर जरूर कर। सो मिलते हैं नैक्सट वीडियो विच एक नवी रेसिपी दे नाल। धन्यवाद करती हाँ तुहाडा सब दा कि तुसी मेरी वीडियो नू वेख्या। खाओ पियो, अपना ध्यान रखो ते सत श्री अकाल जी सारियां नूं।